आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोभी और मटर की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी, जिसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये सब्ज़ी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल या आप इसे हलवाई स्टाइल भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लगभग 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर। ठीक है, तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कटे हुए आलू और कटे हुए गोभी के फूल और इन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और 1 छोटे साइज़ का गोभी का फूल लिया था। ये रेसिपी आप 2 से 3 लोगों के लिए आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये तली में लग जाएंगे आलू और जल जाएंगे। तो देखिए इसे 2 मिनट मैंने कंटिन्यू चला लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी सब्ज़ी में, तो इसे डाल दें। इसी के साथ ही हम 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो आप इसे हाई फ्लेम पर भी कुक कर सकते हैं। अगर आपको काम हो आप इसे कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं तो आप मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें, नहीं तो आप इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर ले। तो आलू को हमें लगभग 90% तक कुक कर लेना है, आलू और गोभी दोनों को। तो मैंने इसे हाई फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। एक आलू कट करके भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए। अब इसे हम एक बाउल में अलग निकाल लेंगे। अब आप चाहे तो इसकी जगह पर दूसरी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे वापस से साफ़ करके इसी कढ़ाई का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देखिए कढ़ाई को मैंने फिर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब 3 से 4 टेबलस्पून तेल फिर से ऐड करेंगे इसमें। अगर आप कम तेल खाते हैं तो कम तेल का इस्तेमाल करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, और ये बड़ी वाली हरी मिर्ची थी, आप इसकी जगह पे छोटी 2 हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इसे हम सोते करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से सोते कर लिया है इन सभी को, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको भी ऐड कर दें और इसको अच्छे से अब मिक्स कर ले। तो टमाटर को आप अच्छे से पहले मैशी होने तक कुक कर ले। आप इसे ढककर भी कुक कर सकते हैं, बिना ढके भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं, तो लगभग 2 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा इसे मैश करने में। और अब स्टेज पर डालेंगे मसाले। अब यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये बड़ी वाली चम्मच है। और यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर का ऐड करें और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। बस इतने ही मसाले इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है ये रेसिपी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना, तो बिल्कुल ज़रा सा पानी इसमें ऐड कर ले, ये देखिए इतना सा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे मसाले बिल्कुल नहीं जलेंगे। तो मसालों को अच्छे से पकाएंगे, तो उसके लिए हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो इसे कवर कर दें और 2 मिनट के लिए कुक कर ले। मसालों को हमेशा लो फ्लेम पर ही पकाएँ आप। 2 मिनट बाद इसे चेक करेंगे और देखिए मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं। मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर रखा है और अब स्टेज पर हम इसमें ऐड करने वाले हैं दही। तो मैंने 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम दही लिया है, ये फैटा हुआ दही है, इसे ऐड कर दे। आप चाहे तो गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं क्योंकि दही फटने का डर रहता है। तो इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि दही फटे ना। 1 से 1.5 मिनट बाद आप देखेंगे कि दही अच्छे से मिक्स हो गई है मसालों के साथ में, ये देखिए। अब इसमें हम पहले उबाल आने देंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए दही में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 कटोरी मटर का ऐड किया है मैंने यहाँ पर, यह फ्रेश मटर है। और इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू और गोभी जो हमने फ्राई किए थे इसे, और इसे अच्छे से मिक्स कर ले।
अगर आपको ये रेसिपी ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड करें, और अगर आपको ये सूखी सब्ज़ी चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड ना करें। मुझे सूखी सब्ज़ी चाहिए तो मैं इसलिए इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। अब हम इसे कवर करके लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर, और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। तो इसे कवर कर दें और 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें। 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि सब्ज़ी अच्छे से कुक हो गई है, ये देखिए। अब गैस का फ्लेम आप बंद कर दें, और आप इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है तो। मेरे पास हरे धनिया के पत्ते नहीं तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अगर आपके पास हैं तो आप स्टेज पर हरे धनिया के पत्ते ऐड कर दें, और आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें पूरियों के साथ में, चपाती के साथ में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है रेसिपी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।